ही गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल मैं सिमरन गुप्ता मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आई हूँ आइए देखते उसकी वीडियो यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई कढ़ाई को मैंने अच्छी तरीके से गर्म किया है देन मैंने ऐड किया इसमें आधा कप सूजी आप किसी भी कटोरी से ऐड कर सकते हैं सूजी को कटोरी में लेके एंड देन कढ़ाई में ऐड कर देंगे नहीं कि आपके पास कप नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं बिना कप मेजरमेंट के भी आप बना सकते हैं इस रेसिपी को तो यहाँ मैंने अच्छे तरीके से इसे भुनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ताकि इसका कलर क्या हो हल्का सा चेंज हो जाए ताकि जब हम लोग इसमें वाटर ऐड करें तो इसका कलर निखर के आए और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगेगी जब आप इसे घी के साथ भी भुनेंगे तो मैं आगे बताऊंगी इसे कैसे बनाना है दानेदार बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा घर पे ही रेडी हो जाता है अगर आपको प्रसाद के लिए बनाना है तो वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा यहाँ पे मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे भुनती जाऊँगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से डिफरेंस दिख रहा होगा आपको और इसे हाँ कंटिन्यूसली चलाते रहने तो क्या होगा कि ये जल जाएगा अगर आप इसे चलाते नहीं रहेंगे तो स्टर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रेसिपी का तो मैं इसे अच्छे तरीके से भुनती जाऊँगी एंड देन इसी तरीके से बनाती जाऊँगी देन मैंने यहाँ ऐड किया वन बाई फोर्थ कप ऑफ घी देसी घी आप ऐड कर सकते हैं या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं बट घी में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे घी में ही बनाएं देन मैं इसे अच्छे तरीके से भूनती जाऊँगी घी डालने के बाद घी डालने के बाद जब आप इसे भुनेंगे तो बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवरफुल खुशबू आपको मिलेगा मैं यहाँ इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाती जा रही हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे घी डालने के बाद ये एक ही जगह कंबाइन होने लगा है तो इस टाइम पे आप क्या करें इसे हमेशा कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहें और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं हाई फ्लेम पे अगर आप इसे पकाएंगे तो ये जल जाएगा इसलिए आप इसे लो फ्लेम पे या फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाते जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर इसका और चेंज हो गया है और इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवरफुल एक खुशबू आ रही है देन मैं यहाँ ऐड करूँगी दो इलायची इलायची को आपको पता ही होगा मैं क्रश करके डालती हूँ तो मैं इसमें क्रश करके ऐड कर दूँगी इलायची एंड देन मैं उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी अगर आप इलायची क्रश करके नहीं डालना चाहते हैं देन आप इसमें ऐड करें इलायची पाउडर या फिर आप केसर भी ऐड कर सकते हैं आपको जो फ्लेवर पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं एंड देन मैं इसे धीरे धीरे मिक्स करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है थोड़ी देर के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं और भी ज़्यादा चेंज हो गया है गोल्डन कलर का आ गया है इसमें अलग सा कलर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में ये कन्वर्ट हो गया है सूजी तो देन मैं इसे थोड़ा सा और भूनूंगी एंड देन हमारा क्या होगा कि सूजी का हलवा रेडी होने के लिए पानी ऐड करने के लिए रेडी हो जाएगा तो यहाँ मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ इसी तरीके से आप भी मिक्स करें ज़्यादा जल्दी जल्दी ना करे प्रोसेस नहीं तो क्या होगा कि सूजी का कलर आएगा ही नहीं देन आप पानी ऐड कर देंगे इसलिए इसमें आराम से भुने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसका कलर चेंज होने तक यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम अच्छा सा कलर आ गया है अब अब मैं इसमें ऐड करूँगी वाटर तो यहाँ मैंने पूरा एक कप पानी ऐड किया था तो सबसे पहले मैंने वन बाई फोर्थ कप पानी ऐड कर करते करते दीर धीरे धीरे पानी ऐड करना है एक ही बार सारा पानी ऐड नहीं करना है तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ देन मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी इसी तरीके से पानी ऐड करूँगी मिक्स करती जाऊँगी एंड देन एक बहुत ही अच्छा सा हमारा सूजी पक जाएगा और हलवा तैयार हो जाएगा तो दो कप पानी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन से चार पाँच बार पानी ऐड करना अगर आप सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो पानी उसके अकॉर्डिंग डालें सूजी की क्वांटिटी कम रखते हैं तो पानी उसके अकॉर्डिंग ही ऐड करें तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से मिला दूंगी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सूजी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया पानी के साथ एंड देन मैं इसे कवर करके अच्छे तरीके से कुक करूँगी तो सबसे पहले कवर करने से पहले मैं यहाँ ऐड करी वन बाई फोर्थ कप ऑफ चीनी अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो चीनी पाउडर डाल सकते हैं या फिर हनी डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हलवा बन के रेडी हो जाता है अगर आपको गुड़ की या फिर हनी की सूजी के हलवा की रेसिपी देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं मैं आपके लिए जरूर शेयर करूँगी वो रेसिपी तो यहाँ मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ थोड़ी देर के बाद लीड को ढकने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि सूजी से हमारा अच्छे तरीके से बॉयल आने लगेगा मतलब कि हमारा सूजी का हलवा पक गया अच्छे तरीके से तो इसे लिक्विड ही ना रहने दें थोड़ा देर और पकाएं तो इसे मिक्स करना है एंड देन इसमें इसका कवर लिट कर दूंगी कवर लगा दूँगी सॉरी एंड देन मैं इसे अच्छे तरीके से पकाती जाऊँगी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे तरीके से पकाती जा रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते जाना है आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं थिक चाहिए तो आप थिक बना सकते हैं अगर आपको थिन चाहिए थिन बना सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ मुझे थोड़ा सा कम्बाइन टेक्सचर पसंद है मतलब ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला तो बीच वाला मीडियम वाला होता है ना वैसा तो मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बना के सर्व करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा सा भी पानी आपको नहीं नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से ये पक रहा है तो मैं इसे थोड़ा देर और पकाऊंगी ताकि एक अच्छा सा डो लाइक स्ट्रक्चर आ जाए इसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और हाँ इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस स्टेज पे भी कंटिन्यूसली इसे स्टेयर करते रहना है अगर आप एक जगह रखेंगे तो क्या होगा कि नीचे का तो चिपक जाएगा अच्छे तरीके से पक जाएगा और जल भी जाएगा ऊपर का तो नहीं बन पाएगा इसलिए हम लोग सारे तरह से मिला मिला के अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि सारे तरीके से अच्छे से पक जाए और एक अच्छा सा टेस्ट मिले हमें चीनी का पाउडर आप कम या ज़्यादा अगर आप चीनी पाउडर डालते हैं ना तो कम डालें अगर आप चीनी डालते हैं तो उसके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि चीनी पाउडर ज़्यादा ही मीठा कर देता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में डाल देंगे तो या फिर चीनी भी डाल देंगे तो इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से आप डालें एंड देन इसे बहुत ही अच्छे बनाए टेस्टी बनाए अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं कोई इशू नहीं है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से बन जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही टेस्टी और यम्मी हमारा सूजी का हलवा हो गया है रेडी ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसके बीच में मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ जुम करके के बिल्कुल पानी नहीं है इसमें अगर पानी रहता तो क्या होता कि बहुत ही चिपचिपा सा लगता है लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा दानेदार टेक्सचर में मुंह में घुलने वाला सूजी का हलवा बन के रेडी हो गया है तो बहुत ही आसान तरीके से कम टाइम में आप इसे बना सकते अपने घर में तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से तरीके से प्रसाद रेसिपी में भी ये आ जाता है और नॉर्मल शाम के नाश्ते में भी आप बना सकते हैं कुछ मीठा खाने का मन हो देन बना सकते हैं या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे सर्व कर दिया थोड़े से आमंड्स को चॉप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी का हलवा हमारा हो गया है रेडी कितना ही सुंदर लग रहा है मैंने इसे एकदम अच्छे तरीके से स्पून से डिजाइन बना के और सर्व कर दिया है आई होप आप लोग को ये अच्छा लग रहा होगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड हाँ सब्सक्राइब करते टाइम आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक